हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, आपने ब्लू स्काई देखा है, ग्रीन फॉरेस्ट और रेनबो आपने काफ़ी इंजॉय किया है। एवरीबॉडी, एट नाइट हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी देखते हैं, और बच्चों यदि हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर ब्यूटीफुल साइन बोर्ड भी हमें दिखते हैं। अब इस पर्टिकुलर यूनिट में हम ये जानेंगे कि स्काई हमें अपीयर ब्लू क्यों दिखता है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल एंड हाउ आर इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन ए स्टिल वाटर। वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई Do we see the objects? हमें objects क्यों दिखाई देते हैं? Why do we see objects? Right? हमें objects क्यों दिखाई देते हैं? बच्चों, suppose आप dark room में हो, right? और light वहाँ पे available नहीं है, तो आपको वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मान लो आपने कैंडल को बर्न किया, तो कैंडल बर्न करने से क्या हुआ, आपको वहाँ पे जो रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे बेटे, अपीयर हो जाएंगे। तो इसमें नई बात तो है नहीं, ये तो आप भी बोलोगे कि हाँ सर, वो तो अपीयर हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, हमने आंसर ढूंढना है कि क्यों दिखेंगे, है ना। हमारा जो बेसिक मोटिव है वो है कि क्यों दिखेंगे हमें। तो इसका जो बेसिक कारण है, बेसिक जो रीज़न है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसका बेसिक कॉज है। तो क्वेश्चन उठता है कि रिफ्लेक्शन क्या है बेटे। मान लो देखो, मैं एक सीलिंग फैन बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस सीलिंग फैन के नीचे क्या रखा है बेटे, एक टेबल रखा है, और उस टेबल पे क्या रख दिया मैंने, कैंडल रख दी, राइट। बर्निंग कैंडल यहाँ पे मैंने रख दी, और आप यहाँ पे खड़े हो गए बेटे, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, लाइट यहाँ से आएगी बेटे, आपकी आँखों पे पड़ेगी। आँखों से कहाँ जाएगी, आँखों पे पड़ेगी रेटिना वाले पार्ट पे। तो रेटिना से कहाँ जाएगी, हमारे ही ऑप्टिकल नर्व में। ऑप्टिकल नर्व में क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल है। अब इलेक्ट्रिकल सेल का काम क्या है बच्चों, सिग्नल को भेजना। कहाँ भेजना सिग्नल को, ब्रेन में, राइट। और उसके बाद क्या करना, रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, इंटरप्रेट द ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है बेटे, जैसे ये सोर्स है, इस सोर्स से लाइट आपकी यहाँ पे पड़ेगी, राइट। और यहाँ पे पड़ने के बाद क्या होगा, आपको पंखे का ये पर्टिकुलर स्ट्रिप दिखाई देगा। अब लाइट का कुछ पार्ट यहाँ पर भी पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आँखों पे आएगा। लाइट का कुछ पार्ट यहाँ पे भी पड़ेगा, यहाँ से पड़ने के बाद भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में बेटे आएगा। तो बेटे, कैंडल फ्लेम इज प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन लाइट एंड इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है आपका कैंडल, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आपके पास स्टार हो गया बेटे, ठीक है, स्टार की भी क्या होती है, पोजेस इट्स ऑन लाइट, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेटे, पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हम ऑब्जेक्ट की शेप, उसका साइज, ठीक है, रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमें शेप का पता लगता है, साइज का पता लगता है जब भी ऑब्जेक्ट आपके पास आता है। एक और मैंने बात बताई थी कि वर्चुअल इमेज, राइट। तो वर्चुअल इमेज की एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपके दिमाग में बैठ भी जाएगी। बच्चों, आपने गोल्डन टेम्पल देखा है ना, तो गोल्डन टेम्पल थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, गुंबद है और नीचे
इतना अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी, लेकिन आई विल ट्राई। तो यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है ये किससे सराउंडेड है बेटे? पॉन्ड से सराउंडेड है ये ना, आसे पास से क्या है इसके, पानी है सब जगह। तो आप ध्यान से यदि आपने ऑब्जर्वेशन करी होगी तो बेटे पानी के अंदर भी आपको ऐसी इमेज दिखाई देगी, राइट? तो इस पर्टिकुलर इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब आपको नहीं भूलेगी ये बात कि इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, ठीक है? वर्चुअल इमेज ऑफ गोल्डन टेम्पल इज सीन थ्रू वाटर सरफेस। तो ये आपके पास इन्वर्टेड इमेज है। तो बच्चों अब क्वेश्चन उठता है कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? तो बेटे लाइट को समझने के लिए हम ये बोलेंगे कि ये एक प्रकार से एनर्जी है ना, जो हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ विजन, है ना, देखने की शक्ति देती है, ठीक है? न्यूटन ने क्या कहा कि जो लाइट है, जो पार्टिकल होते हैं जिनके पास क्या होती है बेटे, एनर्जी होती है। लाइट क्या है, एक प्रकार से पार्टिकल है जिनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। उसके बाद प्लैंक ने भी समर्थन किया कि जो भी लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए बेटे हाइगन, ठीक है, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप। उसने कहा कि लाइट जो है उसका नेचर वेव है, वेव आपने पढ़ रखा है। अब लाइट की डेफिनेशन क्या होगी बेटे, लाइट की डेफिनेशन मॉडिफाइड होगी, ठीक है, क्या होगी, मॉडिफाइड। लाइट की डेफिनेशन मॉडिफाइड होगी, थोड़ी सी बदल गई। तो क्या आ गई लाइट की डेफिनेशन, बोला लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि एनर्जी पोजेस करती है और प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है बेटे। तो लाइट जो है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई उसने कि लाइट जो है वो उसका जो नेचर है वो कैसा नेचर है बेटे, ट्रांसवर्स नेचर, राइट? लाइट का कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर। अब बेटे ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, जैसे मान लो ये पौंड आपके पास, राइट, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पौंड है। अब पौंड में आप एक स्टोन गिराते हो बेटे, ठीक है, तो स्टोन गिराते हो तो पानी क्या करता है बेटे, पानी आपका अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। चलो स्टोन की बजाय यहाँ पे गेंद ले लो बेटे, गेंद यहाँ पे गिराओगे तो गेंद अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, और डिस्टर्बेंस कैसे ट्रैवल करेगी, ऐसे ट्रैवल करेगी सरफेस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि लाइट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है। लाइट किससे बनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आऊँगा, ये ध्यान से देखो बेटा, इधर यहाँ पे आ गया मैं। तो लाइट जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है बेटे, ये आपको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये बाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसमें घबराना नहीं, एक्स वाई जेड कहीं भी ले सकते हो आप। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, बाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और डिस्टर्बेंस किस तरफ जाएगी, परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार की वेव यहाँ पे पार्टिकल ऑसिलेट करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स वेव। बच्चों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।